बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुबीना मुगल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले से पहले पहुँच जाए। आज मैं आपके अपनी वीडियो में दिखाऊँगी घर की सिली हुई कुछ शर्ट्स और फ्रॉक। ये देखो, ये घर की सिलाई की हुई शर्टें हैं, ये फ्रॉक है हमारे पास। देखिए, ये हमारे पास टॉप है, लॉन का है ये। इसमें ये हमने चुन्नट वाली फ्रॉक बनाई है, इसमें हमने इसी घरी हुई चुन्नट डाली है और पेटी पर हमने ये पट्टी लगाकर लाइनिंग वाली पट्टी यूज़ करके उसके साथ हमने ये डोरी अटैच की है। डोरी इसके अंदर डाली है थोड़ी सी चुन्नट आने के लिए। और इसकी हमने ये देखिए बाजू इस तरह के बनाई है हल्की हल्की चुन्नट डालकर, और इस पर हमने राउंड बैंड लगाई है और बीच में से ये सेंटर से ओपन है। देखिए, इस पर राउंड बैंड लगी हुई है। घर की सिलाई की हुई है ये लॉन की फ्रॉक, बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसके अलावा ये हमारे पास शर्ट है, इसकी ट्राइंगल लगाई है और इसके बाजू हमने ये फ्रिल वाले बनाए हैं। और इसका ये बोट गला है और इसका जो हमने दामन बनाया है उसका फ्रंट चेंज है। और बैक पर हमने ये देखिए बैक और फ्रंट पर जितना हमने ये पट्टियाँ लगाई हैं और इसका फ्रंट का स्टाइल ये है। चकोर इसके साथ भी हमने ये ट्राइंगल लगाए हुए हैं। ये देखें, ये हमारे पास ब्लैक और वाइट लाइनिंग में शर्ट है। ये हमने एयरलाइन बनाई है, जो ये हमने इसके ऊपर कपड़ा यूज़ किया है। ये बॉर्डर था, बॉर्डर हमने ये पेटी पर लगाया है। और ये देखिए, बॉर्डर की हमने ये बैंड बनाई है और इस पर हमने ये लेस लगाई है। और इसके साथ हमने ये पान वाला गला बनाया है और इसको हमने पीछे से इस तरह से बनाया है। इसकी ये पट्टी लगा कर इधर हमने बटन लगा दिए और ये बैंड पीछे से बंद है, आगे से सिर्फ ये लगा हुई लेस लगी हुई है इसकी, ये देखें। और इसके बाजू हमने ये बाजू पर भी इधर हमने ये बॉर्डर वाली पट्टी लगाई है और ये अम्ब्रेला लगाया हुआ है। और इसका जो दामन है ये देखें, इसकी इस दामन की ये शेप है। ये हमने बहुत ज़्यादा एयरलाइन शर्ट नहीं की, अगर बहुत ज़्यादा हमें एयरलाइन शर्ट करते हैं तो इसकी ये डिज़ाइनिंग ज़्यादा महसूस नहीं होती। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखें हमारे दामन की डिज़ाइनिंग ये है। ये देखें, ये शर्ट है हमारे पास, ये लाइनिंग में शर्ट है। इसका फ्रंट लाइनिंग में देखें आप, ये दिख रहा है आपको, फ्रंट लाइनिंग में है और इसकी बैक पर प्रिंटेड बैक है। इसको हमने इस पर हमने कॉलर लगाई है और ये ओपन शर्ट की तरह यहाँ से हमने सिलाई की हुई है, मगर ऊपर से थोड़ा थोड़ा खोला हुआ है। और यहाँ पर देखें, यहाँ हमने ये पट्टी भी लगाई है, अगर आप चाहें तो बेल्ट भी लगा सकते हैं। और इसके बाजू देखें, ये कफ वाले बाजू हैं इसके। और इसके साथ हमने ये देखें, ये इस सूट के साथ ये पैच भी थी तो हमने इसकी शर्ट पर ये पैच लगाई है। और इसके भी हमने देखें, पीछे भी और आगे भी हमने पट्टी लगाई है ब्लैक कलर की। ये देखें, ये हमारे पास पैनल फ्रॉक है, इसके साथ हमने पेटी पर ये चिकन की पेटी लगाई हुई है और इसी कलर की हमने ये जो पट्टियाँ लगाई हुई है, फ्रॉक की पट्टियाँ लगाई हुई है। और इसका हमने ये आर्म होल भी बनाया हुआ है, ये हमने इसका आर्म होल बनाया हुआ है, ये भी डिज़ाइनिंग है इसकी। और ये देखें, इसकी हमने नीचे दामन पर ये पीको करवाई हुई है, ये फ्रिल वाली पीको है। ये फ्रॉक भी हमारी बहुत ही प्यारी गर्मियों की फ्रॉक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले से पहले पहुंच जाए।
मिलते हैं अगली वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।